हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री लेसन 1। हम लोग पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आपको दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर और क्लास 8 का इंग्लिश भी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए मेरे सेकंड चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, 16वीं सदी के आरंभ में डैश ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाबर ने, क्योंकि बाबर ने ही सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। सेकेंड नंबर में है, डैश एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तारीख उल हिंद। तारीख उल हिंद एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। डैश लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अरबी। अरबी लोगों के द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। भारत में कागज का प्रयोग डैश शताब्दी के आसपास हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तेरहवीं शताब्दी के आसपास भारत में कागज का प्रयोग होना आरंभ हो गया था। सेकेंड नंबर में है, जोड़े बनाइए। राष्ट्रंगनी, भक्ति संत, तबकात ए नासरी, शेर शाह का मकबरा, मानसी, और यहाँ पे है दरिया साहब, सासाराम, वैकटपुर का शिव मंदिर, कश्मीर का इतिहास और मिन्हाज उस सिराज। राष्ट्रंगिनी का हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। राष्ट्रंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। भक्ति संत का हो जाएगा दरिया साहब। तबकात ए नासरी का हो जाएगा मिन्हाज उस सिराज। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में। मानसी का हो जाएगा वैकटपुर का शिव मंदिर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। फोर नंबर में है, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को बताएं। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमने लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल में सिले हुए वस्त्र बहुत कम लोग पहनते थे। मध्यकाल के वैसे वस्त्र जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं निम्नलिखित है, जैसे कि धोती, कुर्ता, साड़ी, लहंगा जिसको घाघरा कहते हैं, पगड़ी, ओढ़नी या दुपट्टा, चादर, ये लपेटने वाला वस्त्र है, और इन सब चीज़ों का यूज हम आज भी करते हैं, इन वस्त्रों का यूज आज भी होता है। फोर नंबर में था, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए 2 प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को बताएं। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ये जानेंगे। तो यहाँ पर है, मानव जीवन को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए विज्ञान के सिद्धांत पर आविष्कृत विभिन्न कलपुर्जों और मशीनों का व्यवहारिक प्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है, जैसे कि खेती, कल कारखाने आदि। यानी कि मानव जीवन को आसान या सरल बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में निम्न 2 प्रमुख प्रौद्योगिकीय परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला है चरखे का आविष्कार। प्राचीन काल में तकली से सूत काटने में अधिक समय लगता था। बाद में चरखे के प्रयोग से सूत काटने की गति काफी बढ़ गई। अब सूत तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बनने लगा। तो पहला परिवर्तन ये हुआ चरखे का आविष्कार। दूसरा है धुनकी का आविष्कार। पहले सीधे कपास से सूत काटा जाता था, बाद में इसमें बदलाव आया, धुनिया अब धुनकी पर रुई धुनने लगे। अब धुनी हुई रुई से सूत काटना आसान हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे चरखे का चित्र है, चरखे से सूत काटना आसान हो गया था, और ये है धुनिया जो कि धुनकी से रुई को धुनता था। यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है ये धुनकी का चित्र दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा? इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप, फलस्वरूप मतलब होता है बाद में, प्रौद्योगिकी के परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश होने लगी, खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे, इसलिए जंगल के काटे जाने से वहां के वनवासियों को जंगल छोड़कर जाना पड़ा, परंतु बहुत से वनवासी खेती के काम में लग गए और ग्रामवासी बन गए। तो बहुत सारे वनवासियों ने क्या किया, जंगल छोड़कर चले गए और बहुत सारे वनवासी वहीं पे बस गए, वो खेती का काम देखने लगे, खेती के काम में लग गए और वहीं पे रहने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुनी संस्कृति से क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, दो संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित होती है उसे गंगा यमुनी संस्कृति कहते हैं। 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखें। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि 8वीं शताब्दी के आसपास कौन कौन से परिवर्तन हुए थे या कौन कौन से बदलाव आए थे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ, यानी कि 8वीं शताब्दी के आसपास देश का नाम बदलकर रखा जाने लगा, जैसे कि भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा, हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा में भी काफ़ी विस्तार हुआ, कृषि और वाणिज्य व्यवसायिक, व्यवसाय मतलब होता है जो कि पैसे कमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं व्यवसाय, तो कृषि और वाणिज्य व्यापार में रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगा, सामाजिक नियम धर्म भाषा कला आदि में परिवर्तन हुए। नेक्स्ट है, क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं? इसका आंसर होगा, हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास हैं, जैसे कि इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिसमें उन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा, बाबर ने बाबरनामा लिखा था, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। इसके अलावा भक्त और सूफी संतों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में इतिहासकार क्या करते होंगे? इतिहासकार अतीत को समझने के लिए समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट देते हैं। अतीत को समझने के लिए यानी इतिहास को समझने के लिए उसको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, जैसे कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इस तरह से अलग अलग भागों में बांट कर हमें इतिहास को समझने में आसानी होती है। फिर अनुमान से स्थिति का अवलोकन कर स्वयं जो वे ठीक समझते हैं लिख देते हैं। इस तरह से इतिहासकारों का मत अलग अलग हो जाता है, क्योंकि वो अपने अपने विचार से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी संस्मरण लिख सकते हैं, आप अपनी पसंद और रुचि के अनुसार किसी परिचित व्यक्ति या अपने जीवन की घटना को लिखिए। पहले हम ये जानेंगे कि संस्मरण क्या होता है। स्मृति के आधार पर, स्मृति मतलब होता है याददाश्त, स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति विषय या घटना के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। तो जब हम अपनी याददाश्त के आधार पर किसी व्यक्ति के बारे में या फिर किसी विषय या किसी घटना के बारे में लिखते हैं तो उसी को हम संस्मरण कहते हैं। इसका आंसर जो है सबका अलग अलग हो सकता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिखा है। संस्मरण का अर्थ आपको समझा दिया है, आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आजकल के प्रचलित सिक्कों से किन किन बातों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। सिक्कों पर विशेष चिन्ह बने होते हैं जो यह दर्शाता है कि यह कहां पर बना है। भारत में 4 मिंट यानी कि टकसाल है। सिक्कों पर तारीख से हमें यह जानकारी मिलती है कि सिक्का कौन से वर्ष में बना है। टकसाल मतलब होता है जहाँ पर सिक्कों को बनाने की अनुमति दी जाती है, जहाँ पर सरकार के द्वारा सिक्कों को
बनाने की अनुमति दी जाती है। भारत में 4 मिंट हैं, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा, यानी कि इन 4 जगहों पर सिक्कों का निर्माण किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि टकसाल हम उसे कहते हैं, उस कारखाने को कहते हैं जहाँ पर सरकार के द्वारा सिक्कों को बनाने की अनुमति दी जाती है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।